की बड़ी खबर, बिलासपुर से जहां रेप पीड़िता को धमकी दी गई है। एफआईआर दर्ज के गठित जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज होगा। आरोपी के पिता फैज और अन्य परिजनों पर एफआईआर दर्ज होगा। धारा 506(b)(214) के तहत मामला दर्ज होगा। आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत की गई। रतनपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो आरोप जितेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जितेंद्र, एक बड़ा ये मामला था और इस पर हंगामा भी हुआ। रेप पीड़िता को धमकी मामले में अब एफआईआर दर्ज की गई है। बिल्कुल श्रवण, देखिए जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया था उसके बाद से अगर कहें तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि जांच के बाद ये साफ हुआ कि पुलिस ने इस पूरे मामले पर चूक की है। पुलिस की भूमिका इसमें संदिग्ध रही है, लिहाजा पुलिस जो है अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। क्योंकि इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस तरह से हंगामा मचा था, इसको लेकर जमकर अगर कहें तो लोगों का आक्रोश जो है पुलिस को झेलना पड़ा था। इसको लेकर अब देखने में आ रहा है कि जिस तरह से पुलिस ने बीते दिनों अपने एक टीआई को यहाँ पर निलंबित किया है, एसडीओपी को शोकाज नोटिस जारी किया है, उसके बाद अब इस मामले में आगे कार्रवाई करते हुए पीड़िता को धमकाने के मामले में एक एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें आरोपी के पिता फैज और उनके अन्य जो परिजन है जिन्होंने पीड़िता को धमकी दी थी और 5 लाख रुपए लेकर जो मामला है उसको रफा दफा करने के लिए उनको धमकाया था और जान से मारने की धमकी दी थी। तो इस मामले में अब एसपी के निर्देश के बाद रतनपुर थाने में एक एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 506(b) और 214 के तहत जो आरोपी के परिजन है उनके खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज किया गया है। तो पुलिस कहीं ना कहीं अब डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है और आज ही एसपी ने साफ भी किया था कि इस मामले में आगे और बड़ी कार्रवाई होंगी, बड़ी गिरफ्तारियां भी इस पर होंगी। तो माना जा सकता है जो आरोपी पक्ष है अब उसके खिलाफ पुलिस यहाँ पर शिकंजा कर सकती है, क्योंकि पुलिस की इस पूरे प्रकरण में बहुत ज्यादा फजीहत भी हुई थी, लिहाजा पुलिस अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। चलिए, शुक्रिया जितेंद्र पूरी जानकारी के लिए। गुना से खबर है जहां आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। एक नाबालिग बच्चे की इसमें मौत हो गई। कई मकान और बिजली के खंभे टूट गए। निगम टावर को भी यहां पर कांच टूटा है। शहर में बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है। कलेक्टर और एसपी ने मौके का जायजा लिया और ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से तेज आंधी तूफान के बाद तबाही की ये तस्वीरें हैं। कई घर उजड़ गए। निगम टावर का भी यहां पर उसको नुकसान पहुंचा। शहर में बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश में बीजेपी जनसंपर्क अभियान चला रही। इस कार्यक्रम को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अलग अलग इलाकों में पहुंचकर सरकार की योजनाओं को बता रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में बीजेपी जनसंपर्क अभियान चला रही है और आज देखिए सांसद होने के नाते भी और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी आज संवाद कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और अभी अभी डॉक्टर बिंद्रा के घर पर आकर पूरे परिवार से उन्होंने मुलाकात और भेंट की है। सर, कैसा चल रहा है अभियान आज से शुरुआत हुई? आज से पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के जो वर्ष पूरे हो रहे हैं आज से उसकी अभियान की हमने शुरुआत की है। और विशेष संपर्क अभियान में जो हर लोकसभा में ऐसे इमिनेंट पर्सन जो हैं जो सोसाइटी में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लगातार संवाद और संपर्क किया जा रहा है और ये तमाम केंद्र और राज्य की योजनाएँ हैं जिन्हें लेकर बीजेपी जनता के बीच पहुँच रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने IBC 24 से खास बातचीत करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि सरकार दुग्ध संघ को खत्म करने की तैयारी में है। उनसे खास बातचीत के हमारे संवाददाता ने। हमारे साथ में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी भी है। वो गुजरात की कंपनी और मध्य प्रदेश के जो युवा है उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो गुजरात में रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं और उनसे को लेकर वही मुद्दा उठा रहे हैं। क्या कहेंगे आप उस मुद्दे? 95% जलनिगम के ठेके गुजरात की कंपनियों पे, सीवर लाइनों के ठेके गुजरात की कंपनी पे, लोक निर्माण के अधिकांश बड़े बड़े ठेके गुजरात की कंपनी पे, और काम करने के पहले 25% एडवांस देते हैं और उसमें कमीशन वसूल कर रहे हैं। माखा लोग को लेकर क्या कहना है, क्योंकि गुजरात की कंपनी गुजरात में टेंडर हो जाता है, गुजरात की उसमें गुजराती भाषा में टेंडर करा के शर्तों का उल्लंघन करके 300 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था उसको 750 करोड़ खर्च करके
प्रदेश की जनता ही काली कमाई को लूटा है गुजरात की कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए, और धार्मिक जो 125 करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र था गुजरात, वो महालोककाल महाकाल शिव जी का देश के 12 शिवलिंगों में शामिल है, 12 लिंगों में शामिल है ज्योतिर्लिंग है, उसके साथ लूट कर रहे, उसके साथ भ्रष्टाचार कर रहे, उसका अपमान कर रहे। कलेक्टर कहता है कि यह भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है, ऐसे कलेक्टर को भी सबक सिखाना चाहिए। डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं और उन्होंने जो गुजरात की कंपनियां हैं उसको लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24। मध्य प्रदेश के नगरी विकास एवं आवास राज्य मंत्री OPS भदौरिया एक सड़क हादसे में घायल हो गए। यह हादसा ग्वालियर इटावा हाईवे पर मालनपुर के पास हुआ। उनकी कार एक ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। कोई सीरियस चोट नहीं है उनको, लेके सर में थोड़ी चोट आई है, उन पर डाके लग जाएंगे। और कौन कौन घायल हुआ है? मेरे जान डिटेल एक ड्राइवर थे उनके कुछ चोट लगी थोड़ी लेके, और एक सिक्योरिटी गार्ड थे उनको कुछ चोट आई है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेके वो पूर्ण रूप से सुरक्षित और स्वस्थ है। कहाँ चोट लगी है? थोड़ी सी सर में थोड़ी सी चोट है, बाकी ही इज फिट एंड वेरी एजाइल एंड ही इज टॉकिंग इन हिज सेंसेस। शाम करीब 3 बजे माननीय मंत्री जी OPS भदौरिया जी ग्वालियर से मेगांव तरफ आ रहे थे। जो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं उस स्थल पे पुलिस ने जांच की है और प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट है, आप लोगों ने फोटोग्राफ देखा था, सिर में 15 टाके लगे हुए हैं, पर CT स्कैन पूरी तरह से नॉर्मल है। अभी भी 2 दिन 48 घंटे हम लोगों को सदैव हेड इंजरी के बाद उनको वॉच करना है। CM शिवराज सिंह चौहान इंदौर के पास मऊ स्थित भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली जानापाव पहुंचे, जहां प्रतिमा पर पुष्प माला अर्पित कर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने महेश्वर जानापाव उद्वहन सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए 1,090,70,00,000 रुपए स्वीकृत करने की बात कही। भगवान परशुराम लोक बनना चाहते, 1 महीना भी नहीं हुआ मेरे बैनर, हम लोग कहते हैं वो करते हैं। अगर 1 महीना 8 दिन में परशुराम लोक का पूरा नक्शा बना के प्रसाद की स्वीकृति देके आज भूमि पूजन हो गया। इंदौर में करीब 25 करोड़ की लागत से अहिल्या लोक बनाया जाना है। फिलहाल अहिल्या लोक बनाए जाने के लिए सिर्फ बातें और वादे ही सामने आए, वहीं दूसरी ओर अब इसके विरोध में आवाजें भी उठने लगी है। प्रथम दृष्टिया विचार है, राजवाड़ा के सामने जो बगीचा है, माँ अहिल्या की प्रतिमा है, वो यथास्थान रहेगी। उसके सौंदर्यीकरण को लेकर कुछ प्रस्ताव, कुछ सुझाव, कुछ आइडियाज स्मार्ट सिटी की मीटिंग में डिस्कस हुए हैं। उसका क्या स्वरूप होगा, क्या मॉडल होगा, इसको हम जितने भी स्टेक होल्डर से उनके साथ डिस्कस करेंगे, उसमें सबकी सहमति बनाकर उस काम को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने महापौर जी से मिलने की बात की और महापौर जी से मिलकर हम सर्वमान्य हल निकालेंगे। इंदौर में पिछले कई दिनों से राजवाड़ा क्षेत्र की 2 ऐसी सड़कों को परमानेंटली बंद करने की बातें सामने आ रही थी, जिसको लेकर कई सारे लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। उसी बीच हम आज इंदौर के दिल राजवाड़ा पर ही मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये जो सड़क हमारे सामने है, ठीक जहां से लोग गुजर रहे हैं, इस सड़क को बंद करने की बात सामने आई है। दरअसल व्यापारियों का विरोध जो है वो लगातार शुरू हो गया है। इस बीच हमारे साथ यहाँ पर एक दुकान के व्यापारी भी है, हम उनसे जानेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। अंकल, ये रोड जो है इसे बंद करने की बातें सामने आ रही है, आपकी इस मामले में क्या राय? आप खुद सोचिए कि शहर में ट्रैफिक जरूरी है या लोग अहिल्या लोग? इतना बड़ा राजवाड़ा इसके अंदर बनाओ ना आप लोग, अहिल्या भाई का ही तो है ये फोर्ट, उनके अंदर बनाइए। पब्लिक को परेशान करके रोड को अवरुद्ध करना कौन सा नया काम है? इमारतों का, ऐतिहासिक इमारतों का जब सौंदर्यीकरण चल रहा था, उस बीच यहाँ पे सड़क भी बनाई गई थी, तब ये सड़क को बंद किया गया था। उस समय भी कई परेशानियों का सामना व्यापारियों को भी और लोगों को भी करना पड़ा था। वो कम समय के लिए था, पर उससे कोई ज्यादा तकलीफ हुई नहीं, उससे रोड बनी, अच्छी बात है। पर ये रोड बंद करने की जहाँ तक ये बात कर रहे हैं, और बगीचे को जो राजवाड़े से वापस जोड़ने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पर 8 सड़कें आके मिलती हैं, 8 सड़कों के लिए गाड़ियों के आवागमन के लिए इसका सर्कल का होना बहुत जरूरी है।
तो बाद में ट्रैफिक की समस्याएं पैदा होंगी। तो इसका हल नहीं निकलने वाला, क्योंकि यहाँ पर 8 सड़कें आके मिलती है राजवाड़े के चारों तरफ। उसके लिए बीच का ये सर्कल होना बहुत जरूरी है गाड़ियों के घूमने के लिए। फिर भी अगर वो चाहते हैं, अगर उन लोग जैसा, इसके लिए इतना लंबा राउंड मनाने की जरूरत क्या है जब ये शॉर्टकट ऑलरेडी है, तो आप इसकी बर्बादी पे क्यों तुले कि लोगों का एक्स्ट्रा पेट्रोल समय सभी नष्ट हो। आदमी जब इस चौराहे से घूम के जाएगा तो डेफिनेटली उसका पेट्रोल के साथ साथ सबसे बड़ी चीज तो कीमती समय बर्बाद होगा। जायजा लेंगे इसका, इसको समझेंगे और लोगों का हित जानेंगे, मत जानेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से इसके ऊपर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये तो आगे वाला आने वाला समय हमें बताएगा कि किस तरह से यहाँ पे अहिल्या लोक बनाया जाएगा, यहाँ की जो सड़कें हैं उन्हें किस तरह से बंद करके इनका यातायात जो है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC24 इंदौर। इंदौर में 31 मई को नेहरू स्टेडियम पर होने वाले गौरव दिवस कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ आयोजन स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में इंदौर के गौरव दिवस का मुख्य कार्यक्रम कल यहाँ स्थान नेहरू स्टेडियम पर आयोजित किया जाएगा, और महा अहिल्या की जयंती पर सुबह कई सारे और भी अन्य आयोजन अलग अलग संस्थाओं ने रखे। माँ अहिल्या का पावन नगरी में हम लोग है ना हर साल इंदौर गौरव दिवस के नाम से ना मना रहे हैं। प्रोग्राम को ये गरिमामयी पूर्व है ना रूप में ना कैसे प्रस्तुत किया जाए उसके लेकर है ना काफ़ी सभी जनप्रतिनिधि के साथ है ना बैठक भी हुई है, काफ़ी सारा सुझाव लिया गया है, सुझाव के आधार पर है ना फाइनल प्रोग्राम है ना तय हुआ है। कटनी पहुंचे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानगुन ने महिला बाल विकास के अधिकारियों और कर्मचारियों की जम को जमकर फटकार लगाई, जिसका वीडियो सामने आया है। वो महिला बाल विकास विभाग का मामला है जिसमें बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बार बार बदली गई है, उसमें शासकीय कर्मचारियों की CWC की संलिप्तता दिखती है। हमने पुलिस को पहले से इस बारे में बताया है, अब उनको अलग से निर्देश भी देंगे जांच करके और कार्रवाई करवाएंगे। डेट ऑफ बर्थ क्यों बदलने की पीछे वजह क्या हो सकती है, ये पुलिस जांच में आएगा सामने। इंदौर में भगवा ऑटो चालकों के बाद ई रिक्शा चालक हड़ताल पर बैठ गए। दरअसल भगवा ऑटो चालकों ने हड़ताल के दौरान मांग की थी कि ऑटो रिक्शा चालकों का रूट तय किया जाए और उन्हें रूट परमिट दिया जाए ताकि CNG ऑटो चालकों को परेशानी ना हो। पूरे इंदौर के जो ई रिक्शा चालक है वो आज हड़ताल पर बैठे हैं और यहाँ पर इन लोगों की हड़ताल जो है वो जारी है। हम देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हैं और यहाँ पर उन लोगों की हड़ताल जो है शुरू हो चुकी है। मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि इन लोगों का जो है रूट परमिट तय किया गया था, जिसका विरोध प्रदर्शन करते हुए ये लोग यहाँ बैठे हैं। इन लोगों की मांग है कि इन लोगों को रूट परमिट नहीं सिटी परमिट मिलनी चाहिए, ताकि ये लोग पूरे शहर के जो लोग हैं उन लोगों को सवारी के तौर पर बिठाकर उन लोगों की सेवा कर सके। तो हम लोग यहाँ के जो लोग हैं इनसे डायरेक्ट बात करेंगे और जानेंगे कि इन लोगों की मांग क्या है और किस तरह से ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन करके अपनी मांगे जो है वो सरकार के सामने रख रहे हैं। क्या मांगे हैं आपकी, किस चीज को लेकर, किस मांगों को लेकर आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी मांग ये है कि हमें 85 वार्ड का परमिट दिया जाए, उसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। इससे अगर आप लोगों की जो मांगे हैं ये पूरी नहीं होती है तो किस तरह से आप लोग प्रदर्शन जो है वो जारी रखेंगे? हम अगर प्रशासन हमारी बात को नहीं मांगेगा और गंभीरता से नहीं लेगा तो हमारे लिए न्यायालय का पक्ष खुला है, फिर हम उसकी हाईकोर्ट याचिका लगाएंगे। कब तक आप लोग यहाँ पर बैठ के प्रदर्शन करेंगे? अभी हम लोग और बात विचार कर रहे हैं, उसके अंदर आज भी हो सकता है, कल भी हम लोग मतलब हड़ताल पर रह सकते हैं। जी, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं एकत्रित हो चुके हैं। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और बुजुर्ग जो है जो ऑटो चलाते हैं वो सभी चालक जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पूरी तरह से इन लोगों की हड़ताल जो शुरू हो चुकी है। मैं आपको बता दूं इनमें कई विकलांग भी है जो शामिल है। यहाँ पर बड़ी संख्या में ऑटो भी है, सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हड़ताल इन लोगों की शुरू हो चुकी है और जब तक अब इन लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी इन लोगों की हड़ताल इसी प्रकार से जारी रहेगी। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC24 इंदौर। रायगढ़ में कचरा प्रबंधन को लेकर निगम की लापरवाही सामने आई। निगम ने ट्रांसपोर्ट नगर को ही ट्रंचिंग ग्राउंड में तब्दील कर दिया और खास बात यह कि पिछली सरकार ने इसी ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के नाम पर 8 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना रायगढ़ जिले की बड़ी महती मांग थी और इस मांग को पूरा बीजेपी के सरकार में किया गया था। करीबन 9 से 10 करोड़ रुपए इसमें राशि व्यय की गई है और फिर से ट्रांसपोर्ट नगर को अव्यवस्थित करने का प्रयास नगर सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो कि अलोकतांत्रिक है। जो जरूरी काम है उस पर फोकस करना चाहिए, जो कि हमने रामपुर में जो कचरा था उसको एकदम से
खत्म कर दिए और साथ में अस्थायी रूप से जो ट्रांसपोर्ट नगर में रखे हैं उसको भी बहुत जल्द मशीन लगाकर रिसाइकिल की जाएगी और कचरा मुक्त शहर बनाई जाएगी। रायपुर के माना में बनाए गए पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के बिल्डिंग का मेंटेनेंस अब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन करेगा। विधानसभा की कमेटी ने निरीक्षण के बाद यह निर्णय लिया है। माना में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने पुलिस कर्मियों के लिए 1955 में 4 ब्लॉक बनाए थे। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने ये बिल्डिंग बनाई थी 95 में। मेंटेनेंस नहीं हो पाने के कारण लोगों में तकलीफ है और भवन भी जर्जर हो गया, बुकवेल्यू जीरो हो गई है, लेकिन विधानसभा की समिति इसको अनुशंसा करी कि इनको मेंटेन किया जाए और पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन अपने रिकॉर्ड में इनको अपने बुक में ले ले इसको कि पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को इसका स्वयं मेंटेनेंस करना चाहिए, नहीं हो रहा है। वो आज इसीलिए इस समिति का दौरा हुआ है इसको देखने के लिए और साथ में संबंधित विभाग के सभी अधिकारी आए, मेंटेनेंस जो है उनके द्वारा किया जाए, जो जर्जर स्थिति है उसको ठीक किया जाए, ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको ठीक किया जाए। राज्य और केंद्र सरकार गरीबों को सिर छुपाने के लिए पीएम आवास मुहैया करा रहे, लेकिन धमतरी में ग्राम पंचायत और अधिकारियों की उदासीनता के चलते एक मजदूर खुले आसमान में रहने को मजबूर है। देखिए रिपोर्ट। कुरुद विकासखंड के ग्राम बगदेही निवासी खेमू साहू झोपड़ी नुमा एक कच्चे मकान में रहता था, लेकिन 4 महीने पहले उसके घर में आग लग गई। आग लगने से घर का पूरा सामान जलकर राख हो गया। खेमू साहू मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे हैं। खेमू की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि खुद के सिर छुपाने के लिए घर बना सके। खुले आसमान में सोते हैं, आसपास सांप बिच्छू निकलते हैं, ऐसे में हर पल जान का खतरा बना रहता है। खेमू ने बताया कि पीएम आवास के लिए पंचायत से लेकर अधिकारियों को कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उसकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। मकान है और 4 महीने बाद में जल गए, और एक जल गए मतलब ये खुले हवा में रहता हूँ। सरपंच वाला शिकायत कर रहा हूँ और सरपंच आग देखी से और पंचायत में भी दे हूँ, थाना में गलत दे हूँ कागज, और मैं यहीं पे सोता हूँ, यहीं पर रहता हूँ खुले हवा में। केंद्र सरकार ने गरीबों को खुद का आशियाना देने के लिए पीएम आवास योजना लेकर आई, लेकिन पंचायत और अधिकारियों की उदासीनता के चलते आज खेमू खुले आसमान में जीवन बिता रहा है। इस मामले में गांव के सरपंच का कहना है कि खेमू को आवास दिलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जबकि इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि खेमू साहू पीएम आवास के लिए पात्र ही नहीं है। पंचायत की जिम्मेदारी संभाला हो तो उनको बैंक खाता खुलवा करके राशन कार्ड बनवा है जिससे उनको राशन मुहैया होती है, और जिस दिन उनके घर जलने की सूचना मिली मैं जाके देखा हूँ, देखने के बाद में पटवारी को ले जा करके पंचनामा तैयार करके उसे क्षतिपूर्ति मिले इसके लिए प्रयास किए हैं। अवलोकन करने पर यह पता चला कि खेमू साहू का नाम प्रधानमंत्री आवास के स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है एवं आवास प्लस ऐप की सूची में भी उनका नाम नहीं है, अतः हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं दिया जा सकता है, हितग्राही अपात्र है। धमतरी जिले में पीएम आवास के लिए कई ऐसे पात्र हितग्राही हैं जो पंचायत और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचित हैं। अधिकारी एसी रूम में बैठकर पात्र अपात्र कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि खेमू साहू को आशियाना मिल पाता है कि नहीं। देवेंद्र कुमार। चिटफंड कंपनी रोज वैली का फरार डायरेक्टर अभिजीत दत्ता बिलासपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कोलकाता से आरोपी डायरेक्टर की गिरफ्तारी हुई। आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। एक रोज वैली जो चिटफंड कंपनी है उसके एक डायरेक्टर के खिलाफ जो लुकआउट जारी किया गया था, उस लुकआउट के तहत आईबी ने हम लोग को सूचना दी कि कोलकाता एयरपोर्ट पे वो लैंड हुआ था, कहीं विदेश में था वो, उसके लैंड होते ही हमारी टीम गई और उसको गिरफ्तार, हमने फॉर्मली गिरफ्तार किया है। इसमें हम लोग जाँच कर रहे हैं और दूसरे जिले की पुलिस भी इसमें कार्रवाइयाँ करेंगे। रायपुर पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं को झांसे में लेकर देश भर में लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय विदेशी नाइजीरियन ठग को दिल्ली से गिरफ्तार कर रायपुर लाई। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि नाइजीरियन ठग चुकुमा इक्वे ने सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म के जरिए सैकड़ों महिलाओं को अपने झांसे में लेकर देश भर में लाखों रुपए की ठगी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है।
तो महिला को उसके साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो उसने आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था। जो प्रारंभिक जानकारियां थी उसके बेसिस पर जो है नाइजीरियन फ्रॉड प्रतीत हो रहा था, तो इसमें एक टीम दिल्ली रवाना की गई थी और दिल्ली में जो है लगभग 7 दिनों तक पुलिस टीम जो है कैंप की हुई थी और वहां से एक नाइजीरियन को अरेस्ट किया गया है और इसे जो भी अकाउंट नंबर है और जो सिम यूज़ किया गया था वो बरामद करके इसे न्यायिक रिमांड पर वहां से अरेस्ट करके लाया गया और यहां पर इसे जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। जबलपुर मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी पर साइबर अटैक के मामलों में स्टेट साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी। हैकर्स ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए फिरौती की मांग की थी। कई तरह के प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने ऑलरेडी कंप्लेंट किया हुआ था, सर्टिन पे और दूसरी जगहों पे हम लोगों के पास भी कंप्लेंट किया है, तो उस पर इनिशियली हम लोगों ने उनसे कुछ डिटेल्स चाहिए हैं जो वो लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके बाद एनालिसिस करके आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। अनूपपुर में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को कलेक्टर ने हटा दिया, इसकी जगह डॉक्टर आरपी सोनी को मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी बनाया गया है। बिना अवकाश स्वीकृत मुख्यालय से बाहर होने की वजह से डॉक्टर एससी राय पर यह कार्रवाई की गई। बस्तर अपनी अनोखी परंपरा, आदिवासी रीति रिवाज, कला संस्कृति के लिए पूरे देश विदेश में पहचाना जाता है। बस्तर के आदिवासी कई सारी परंपराओं को निभाते आए हैं और उनमें से एक है मृतक स्तंभ, जो बेहद अद्भुत और अनोखी परंपरा है। देखिए रिपोर्ट। गाजी बाजी के साथ पूजा अर्चना करते बड़ी संख्या में ग्रामीण, देखने में एक बार ये ऐसा लगता है कि जश्न है किसी त्योहार का, लेकिन नहीं, ये कोई तीज त्योहार नहीं बल्कि क्रियाकर्म के बाद की प्रक्रिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल बस्तर के आदिवासी प्राचीन काल से ही गांव के प्रमुख व्यक्तियों की याद में उनकी मृत्यु के बाद पत्थर के स्तंभ स्थापित करते आए हैं और ये इसी की प्रक्रिया है। परिवार के व्यक्ति का निधन होता है, मृत्यु होता है, तो उसके नाम से तो क्रियाक्रम होता ही है। जिसका नॉर्मल मृत्यु हो रहता है, जिसका सूजन उजन से नहीं, उनको नाम से 15-20 साल में उनके नाम से पत्थर गाड़ा जाता है। एक पीढ़ी में गाड़ते हैं, बोलते हैं कौन कौड़ो लोग, तो बाहर से आते हैं, कांकेर से आते हैं, अपना परिवार दोस्त सब मिलते हैं, हम मिलकर यहाँ 8-15 दिन का कबूल बांधते, उसके बाद में पूरा सामान पूरा गांव को वो पूरा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में पत्थर गाड़ा जाता है। केशकाल विधानसभा क्षेत्र के फरसगांव ब्लॉक अंतर्गत भोंगापाल में आज भी दाता पत्थर गाड़ने की परंपरा आदिवासी समाज के कौड़ो समेत अन्य परिवार में देखने को मिलती है। स्तंभ लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। जानकारों का कहना है कि मृतक के आत्मा को शांति दिलवाने के लिए स्तंभ लगाने की आदिवासियों में परंपरा है। देवता धाम में पूरा इकट्ठा होते हैं, ढोल मांदरी सब बाजा मोहरी से नाचते हैं, खेलते हैं, पूरा अच्छा होता है। ये परंपरा है पूर्वजों का, क्योंकि कई पीढ़ी होने के बाद उनके नाम से एक पत्थर गाड़ते हैं और जिनको पत्थर बोहना है वही पत्थर बोह के 2 किलोमीटर दूर से यहाँ पत्थर लेके आते हैं। इन पत्थरों के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब पत्थर को पहाड़ से लाते हैं तो ये पत्थर बहुत छोटे रहते हैं और सालों साल बाद ये चट्टान के रूप में बढ़ जाते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि पूजा अर्चना को उनके पूर्वज स्वीकार कर रहे हैं। केशकाल से प्रकाश नाग की रिपोर्ट, IBC 24 के लिए। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजाति माउस डियर की तस्वीर ट्रैप कैमरे में कैद हुई। भारत में पाए जाने वाले हिरणों की 12 प्रजातियों में से माउस डियर विश्व में सबसे छोटे हिरण समूह में से एक है। भेड़ी से खबर, जहां तेज आंधी से भारी नुकसान हुआ। स्कूल परिसर के बाउंड्री पर पेड़ गिर गया, झोपड़ी पर भी स्कूल की दीवार गिर गई। मलबे में एक बुजुर्ग महिला दब गई, मलबे में 2 बाइक और 1 कार भी दब गई। तस्वीरें आप देखिए, स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग को बाहर निकाला, मौके पर प्रशासन की कोई टीम नहीं पहुंची। माधोगंज इलाके की पूरी घटना है। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के मौसम में इन दिनों एक साथ 2 सिस्टम बनने की वजह से नौतपा बेअसर नजर पड़ रहा है। नौतपे के 6वें दिन भी मध्य प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। गंगा दशहरा के अवसर पर आज प्रयागराज राजिम के गंगा घाट में महानदी मैया की आरती की गई। इस मौके पर इलाके के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति और राम को लेकर हो रही राजनीति को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के रग रग में राम बसे हुए हैं। उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। इस कांग्रेस पार्टी ने तो भगवान राम के अस्तित्व को ही पहले नकारा था,
राम को इन्होंने काल्पनिक बताया था, राम सेतु का इन्होंने विरोध किया था, तो अब किस मुंह से भगवान राम की बात करते हैं? राम मंदिर निर्माण का इन्होंने विरोध किया था, तो इनका तो मामला ऐसा है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। कांग्रेस के नेताओं में, कांग्रेस की ये स्थिति छत्तीसगढ़ में होने वाली है इस चुनाव में, और चुनाव के पहले बड़ा विस्फोट होगा कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। देखिए, कभी नेतृत्व को हिटलर शाही नहीं होना चाहिए, नादिर शाही नहीं होना चाहिए, इसलिए लोग कांग्रेस छोड़ने को तैयार शाही नहीं होना चाहिए, इसलिए लोग कांग्रेस छोड़ने को तैयार हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया गया, नजदीक आएगा, लोग भाजपा के नजदीक आएंगे। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।